फोर आर ऑडियंस पचास हज़ार रुपये का मैंने फ़ोन खरीदा हुँ. आप कितने पैसे बनाते हो उसमें यार ऑन एन एवरेज मैं एक फ़ोन अगर बात करूँ ना तो फ़ोन पे मैं एक परसेंट से ऊपर पैसे नहीं बनाता आता कभी कभी आधा पौना परसेंट भी बनाता हूँ सही है कभी कभी पच्चीस परसेंट मतलब पच्चीस पैसे भी बना लेता हूँ पॉइंट टू फाइव परसेंट चाहिए तो ये अगर आप पचास हज़ार का एक फोन नॉर्मली देखें ना तो मैं उस पर तीन सौ चार सौ सो, पाँच सौ रुपये बनाता हूँ इससे ज़्यादा मैं पैसे नहीं बना सकता उसका रीज़न क्या होता है इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट है फिर कुछ इस तरह के प्लेयर्स होते हैं जो वी फंडेड आ जाते हैं सही है वो पैसे गंदे करना शुरू कर देते हैं अब नॉर्मली एक फ़ोन कोई भी है मेरी प्राइस अगर पचास हज़ार है तो पचास हज़ार की रिटेल नहीं है उसकी रिटेल प्राइस फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट होगी हम काट काट के अंडर कटिंग करके स्लैश कर करके कर कर बेच रहे होते हैं जिसकी वजह से मार्जिन इतने सिक्योर हो ही नहीं पाते हमारे इसी वजह से पर जाते हैं बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज फैशन है बहुत अच्छे मार्जन्स हैं हेल्थ केयर है बहुत अच्छा मार्जिन है तो और दूसरी कैटेगरीज है होम एंड लिविंग है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है उसमें पैसे बहुत अच्छे बचते हैं हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में खासकर कम बचते हैं और फोन्स में तो ना होने के बराबर बचते हैं